Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Today we will discuss about multiple choice questions from homeostasis part 1. तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इज द डेफिनेशन ऑफ, ये जो स्टेटमेंट है ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। इसमें हमारे पास चार ऑप्शन हैं जी। पहला ऑप्शन हमारे पास आस्मो रेगुलेशन है, दिस इज रॉन्ग। दूसरा हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन, ये भी रॉन्ग है। तीसरा हमारे पास है जी एक्सक्रीशन, ये भी रॉन्ग है। और चौथा हमारे पास है जी होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस की ये डेफिनेशन है, बाकी जो हमारे पास ऑप्शन है ये रॉन्ग है, क्योंकि आस्मो रेगुलेशन में वाटर की और आयंस की रेगुलेशन होती है, थर्मो रेगुलेशन में टेम्परेचर की रेगुलेशन होती है, एक्सक्रीशन के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको बॉडी से रिमूव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट इन ह्यूमन। इंसान के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसमें हमारे पास चार ऑप्शन हैं, देखते हैं जी। सबसे पहले थैलेमस है, ये रॉन्ग है। हाइपोथैलेमस राइट ऑप्शन है जी। इस तरह से हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस जो है वो स्किन का हिस्सा है, सेरिब्रम भी इसमें नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर तीन जो है, डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर रिस्पांस टू कंट्रोल सिस्टम। इसमें दो बातें उन्होंने बताई हैं कि एक तो यह है कि एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आ रहा है उसको डिटेक्ट करना, और दूसरे नंबर पे उसको सिग्नल देना जिसको इफेक्टर को कि वो रिस्पॉन्ड करे। इफेक्टर क्या होते हैं, दो तरह के इफेक्टर होते हैं हमारे बॉडी में, मसल्स हो गए और दूसरे नंबर पर ग्लैंड्स हो गए। तो इसका ऑप्शन देखते हैं जी। हमारे पास पहला जो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ये रॉन्ग है। इंटर कोऑर्डिनेशन भी रॉन्ग है जी। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी जो है वो रॉन्ग है। तो राइट आंसर जो है हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म है। तो फीडबैक मैकेनिज्म की ये डेफिनेशन है, अगर फीडबैक मैकेनिज्म जो है जिस तरह का डिटेक्शन हो रही है अगर रिस्पॉन्ड भी उसके अकॉर्डिंग हो तो उसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहा जाता है, अगर इस तरह से डिटेक्शन हो रही है उसके ऑपोजिट रिस्पॉन्ड हो तो उसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं जी कि एक डायल्यूटेड सोल्यूशन है कंपेयर टू सेल कंसनट्रेशन इज टर्म्ड एज। देखें जी हमारे पास यहाँ पर दो तरह के एनवायरनमेंट है, एक हमारे पास सेल का एनवायरनमेंट है और दूसरा हमारे पास जो है वो सेल के जो बाहर वाला सोल्यूशन है वो मौजूद है। तो सेल के बाहर वाला जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि उसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम है, सॉल्वेंट की मिकदार ज्यादा है। इसका जो आंसर बनेगा वो गालबन हाइपोटोनिक ही बनेगा। हाइपोटोनिक का मतलब ये होता है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। तो हम देख लेते हैं इनको। हमारे पास जो पहला ऑप्शन है जी ये हाइपरटोनिक भी रॉन्ग है, और हाइपोटोनिक राइट आंसर है, जबकि आइसोटोनिक और पैराटोनिक भी हमारे पास गलत था। इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फाइव है इसमें क्या है जी, प्लांट्स अडॉप्टेड टू रिमूव फ्लडिंग ऑफ इट्स सेल्स इन फ्रेश वाटर आर। देखें जी प्लांट्स जो है ऐसे प्लांट जिनके अंदर अडाप्टेशन हो कि वो एक्स्ट्रा वाटर को जो है वो रिमूव कर रहे हैं उसके लिए उनके अंदर एडजस्टमेंट है, तो इन प्लांट्स को क्या कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है जी जीरोफाइट, ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि जीरोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो ड्राई एनवायरनमेंट में होते हैं। मीजोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जिनको वाटर की मॉडरेट सप्लाई होती है जी। इसका जी राइट आंसर है जी हाइड्रोफाइट्स। जियोफाइट्स भी इसका जो है वो रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर छह की तरफ चलते हैं जी। प्लांट्स विद थिक वैक्सी क्यूटिकल एंड स्टोमेटा आर इन लोअर डिप्रेशन ऑफ लीव्स। ऐसे प्लांट जिनके अंदर
लीव्स उनके थिक हों और उनके ऊपर वैक्स की कोटिंग हो, क्यूटिकल भी मौजूद हो और उनके स्टोमेटा जो हैं वो संकन स्टोमेटा हों, यानी कि लोअर डिप्रेशन के अंदर मौजूद हों, उनको हम क्या नाम देते हैं? एपीफाइट्स नहीं कह सकते, क्योंकि एपीफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं। मेसोफाइट भी नहीं है, जिनको मॉडरेट वाटर की सप्लाई होती है। इसका जो है राइट आंसर जो है वो ज़ीरोफाइट है जी, क्योंकि ड्राई एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये एडाप्टेशन होती हैं। हाइड्रोफाइट्स भी इसका आंसर नहीं है। तो उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 7, मेसोफाइट प्लांट कौन सा। ये हमारे पास 4 प्लांट हैं जी, इसमें हमने देखना है कि कौन सा प्लांट मेसोफाइट से बिलोंग करता है। कैक्टाई है, हाइड्रीला है, ब्रासिका है और किकर। हाइड्रीला जो है ये हाइड्रोफाइट में आ जाता है, ब्रासिका जो है वो मेसोफाइट में आ जाता है, जबकि कैक्टाई को हम देख लेते हैं जी। कैक्टाई इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है नहीं, मेसोफाइट है, क्योंकि मेसोफाइट की बात कर रहे हैं तो कैक्टाई ज़ीरोफाइट में आ जाता है और हाइड्रीला जो है वो हाइड्रोफाइट में आ जाता है। ये भी रॉन्ग आंसर है। इसका जो सही जवाब है वो ब्रासिका है, क्योंकि ब्रासिका हो गया, रोज हो गया, मैंगो हो गया, ये मेसोफाइट से इनका ताल्लुक है। उसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7-8 है जी, ज़ेरोफाइटिक प्लांट कौन सा है इनमें से। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, कैक्टाई, रोज, ब्रासिका और मैंगो। इसका जो आंसर राइट आंसर है वो कैक्टाई है। बाकी जो आंसर है, रोज का ताल्लुक जो है वो मेसोफाइट से है, ब्रासिका का ताल्लुक मेसोफाइट से है और इस तरह से मैंगो का ताल्लुक भी मेसोफाइट से है। तो ये सारे रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कौन सा है जी, ये ऐसे जानदार, ऐसे एनिमल जिनको अपना इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती, उनको क्या कहा जाता है जी। दो डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, ऑस्मो कन्फॉर्मर की और ऑस्मो रेगुलेटर की। तो ऑस्मो रेगुलेटर वो होते हैं जो कि अपने इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को रेगुलेट करते हैं, और ऑस्मो कन्फॉर्मर वो होते हैं जो अपने इंटरनल जो ऑस्मोटिक स्टेट है उसको रेगुलेट नहीं करते, यानी कि उनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और उनका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उनके अंदर जो ऑस्मोटिक स्टेट होती है वो इक्वल होती है। तो इस तरह के जो एनिमल होते हैं उनको हम ऑस्मो कन्फॉर्मर कहते हैं। इसको देख भी लेते हैं जी, हमारे पास जो पहला ऑप्शन है ये भी रॉन्ग है, दूसरा ऑप्शन ऑस्मो कन्फॉर्मर वाला बिल्कुल सही है जी, और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो है ये भी रॉन्ग है, और हाइपरटोनिक वाला भी हमारे पास रॉन्ग है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 10 है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑस्मो कन्फॉर्मर, कि हमारे पास कौन सा ऐसा जानदार है जो इनमें से ऑस्मो कन्फॉर्मर है जी। वेल की हम बात करते हैं तो ये ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं, और हैग फिश की बात करते हैं तो ये ऑस्मो कन्फॉर्मर है, इंसान की बात करें तो ये भी ऑस्मो कन्फॉर्मर है, ऑस्मो रेगुलेटर है, और ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी नहीं बनता। तो ये आज के हमारे होम्योस्टेसिस जो हमारा चैप्टर है 15, उसके हवाले से कुछ एमसीक्यूज थे जिनको हमने आज डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो दूसरा पार्ट है उसके एमसीक्यूज को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।